हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस वीडियो में देखेंगे कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि रेलवे में होता है, इसका एक्चुअली क्या वर्क रहता है। तो एक्चुअली एक चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी होता है, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, और उनके अंडर जो है कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी काम करता है। तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है, हर एक जो जोनल हेडक्वार्टर जो है रेलवे का, वहाँ पे उनका ऑफिस होता है। तो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है, हर एक रेलवे का जो जोन है वहाँ पे एक्चुअली वो अपने ऑफिस में बैठते हैं। और चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है, उनका ऑफिस कहाँ होता है? लखनऊ में होता है। तो सारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है, CRS जो है, वो किसको रिपोर्ट करता है? वो CCRS को रिपोर्ट करता है, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो लखनऊ में जिनका ऑफिस है। अब आगे देख लेते हैं कि एक्चुअली इसका जो है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का क्या रेलवे में यूज है। तो एक्चुअली जो है इसका यूज यही रहता है कि अगर कहीं नया लाइन कंस्ट्रक्शन वगैरह हो गया तो वहाँ पे क्या है, फाइनल जो है सेंक्शन जो है, स्वीकृति जो है गाड़ी को चलाने के लिए जो है, ये कौन देता है? ये CCRS देता है, चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। या कोई दूसरा बड़ा दुर्घटना वगैरह हो गया तो वैसे केसेस में जो है, ये जो है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जो है इंक्वायरी करता है। और एक्चुअली जितना भी जो रेलवे का जो सेफ्टी से रिलेटेड जो एक्चुअली जो वर्क होता है, उसमें जो है चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी और कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी का भागीदारी रहता है। और कोई भी नया लाइन कंस्ट्रक्शन हो रही है और उसको चालू जब कराया जाएगा तो वो CCRS का अप्रूवल होना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक वो अप्रूवल नहीं देंगे तब तक गाड़ी चल नहीं सकती है। दूसरा, अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया है तो वो भी काम एक्चुअली, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो वो भी सेफ्टी से रिलेटेड है, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो है इंक्वायरी वगैरह जो होता है, कहीं एक्सीडेंट हो गया या डिरेलमेंट हो गया, तो उसका वो भी CCRS का ही रहता है। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जो है आपको चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी के बारे में डिटेल में समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।